एक दफा धन्यवाद नहीं बोलेंगे, 1 लाख दफा धन्यवाद बोलेंगे भैया जी। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो जब पार्टी भी जैसा रखता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पाकिस्तान से हमारे तक वहां तक बहुत दिखते थी, बहुत जिलकर भी आए, कैसे भी आए, वहां से जो परेशानी होगी थी हम सबको। धीरे धीरे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं सबको यही हेल्प देना है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग मेरे से पूछते रहते हो कि जो ये पुराने परिवार है जिनकी हमने हेल्प करी है काफी टाइम पहले, उनका इस टाइम पर क्या स्टेटस है। आज की जो वीडियो दोस्तों ऐसी ही होने वाली है, हम आपको ऐसे ही परिवार से मिलाएंगे। दोस्तों उस टाइम पर जब वो जस्ट पाकिस्तान से जस्ट भारत आए थे तो हमने उनकी वीडियो अपलोड करी थी, मैं वो लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ उस वीडियो को देखें। उसके बाद दोस्तों उस परिवार की हमने शॉपिंग भी करवाई है। शॉपिंग करने के बाद दोस्तों वो परिवार का काम धंधे में भी हेल्प करी है। और धीरे 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 वो परिवार इस हमारे देश में थोड़ा सा जमता गया जमता गया। फाइनली दोस्तों उस परिवार का क्या स्टेटस है आज इसी वीडियो में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो को आखिर तक देखें, जरूरी है दोस्तों वीडियो आखिर तक देखना ताकि ये वीडियो रिकमेंडेशन में जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोज पहुंचे। आज की जो दोस्तों वीडियो है ये एक हेल्प की वीडियो है, और आज दोस्तों जिस जिनकी वजह से आज की जो ये एक्टिविटी संभव हो पाई है दोस्तों, इनका नाम है हेमंत मेहता जी फ्रॉम यूएसए, और भाविक ओम जी फ्रॉम यूएसए, और थुम्माला पद्मश्री जी ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। इन बहन जी की वजह से तो तीन लोगों की वजह से दोस्तों आज की एक्टिविटी पूरी हो पाई है। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप कुछ कमेंट करें इन लोगों के लिए, कुछ आप कुछ 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 आप कुछ अच्छे गुड विशेस दें, बिकॉज ऐसे लोगों की वजह से दोस्तों हम ये एक्टिविटीज कर पाते हैं। और पूरा देश विदेश का जो हिंदू समाज है जो धीरे 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 जुड़ रहा है, और पाकिस्तानी हिंदुओं के पीछे ढाल बनकर भारत का हिंदू समाज और देश विदेश का हिंदू समाज जो खड़ा हो रहा है, इस वजह से पाकिस्तानी हिंदू समाज में ये बहुत उत्साह है। पाकिस्तान से भी लोग बहुत मैसेजेस करते हैं, वहाँ भी ये वाली वीडियोज जाती हैं। तो दोस्तों एक ऐसा मूवमेंट बनता जा रहा है वेयर, जैसे हमने शुरू में भी कहा था हिंदू शुड हेल्प हिंदूज, तो इस तरीके से ये कारवा बन रहा है। हम चाहते हैं कि देश विदेश में जहाँ भी कोई किसी हिंदू को कोई प्रॉब्लम हो और वो हमें अप्रोच करे तो वो शुड बी देयर टू हेल्प दैट पर्सन। इस उद्देश्य से ये संगठन बनाया है। दोस्तों मेरे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम विच वी आर गोइंग टू हैंड ओवर टू दिस फैमिली, जो आज की जो बेनिफिशियरी फैमिली है। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं नाउ वी हैव स्टार्टेड ब्रांडिंग, जैसे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते थे कि भाई आप अपनी एक्टिविटीज ब्रांडिंग करें, तो जो हमारा दोस्तों जो मुक्का है जो हिंदू सम्मान को जो मुक्का है, विच मीन्स हिंदू सिख जैन एंड बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज व्हेन क्लब टुगेदर दे फॉर्म ए पावरफुल फिस्ट, ये फिस्ट दोस्तों धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। दोस्तों घर अंदर से कैसा बना है ये हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, पहले उस परिवार से मिलते हैं दोस्तों जो इसके बेनिफिशियरी हैं। ये परिवार दोस्तों आपने देखा हुआ होगा, सब लोग आपको देख रहे हैं, हाई करो। ये जो दोस्तों बच्चे देख रहे हो, ये बच्चे बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चे, जब आए थे तो फिर डरे सहमे थे, तो इनकी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। मैं इनका एक और दूसरा जो सेकंड वीडियो शॉपिंग वीडियो वो मैं शेयर करता हूँ। इसमें एक एक बिटिया इनकी मिसिंग है, अभी उसकी शादी हुई है, तो इस घर में काफी सारी चेंजेस आई हैं। आइए इस घर से मिलते हैं, इस परिवार से मिलते हैं, इनका सफर अभी तक का भारत में कैसा है इसको जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि इस वीडियो के रीच बढ़े और फील प्राउड बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इनसे बात करते हैं। पहले तो आप अपना प्यारा नाम बताओ। नानक दोस्तों इनका नाम नानक जी है, जितना पवित्र नाम है उनका उतनी ही इनकी फटाफट हेल्प हो जाती है। नानक जी सारे देश विदेश का हिंदू समाज आपको देख रहा है, ठीक है। आप पहले आप ये बताओ आपका सफर अभी तक का और जो आपका मदद मिली है कैसा, आप पहले आप पाकिस्तान से कब आए सबको फिर से बताओ। पाकिस्तान से हमारे तक वहां तक बहुत दिखते थी, बहुत जिलकर भी आए, कैसे भी आए, वहां से तो परेशानी होगी थी हमको। कितना टाइम हो गया पाकिस्तान से आए हुए? वहां से हमको 8 8 महीने 9 महीने हो रहे हैं। अच्छा, जब हमने आपकी पहली वीडियो बनाई थी जिस दिन आप पाकिस्तान से आए थे उस दिन आप डरे डरे हुए थे वहां से तो आए थे तो हमने बोला पता नहीं क्या होगा, डर बहुत था, वो डर भगवान की कृपा से डर हमारा बहुत निकल गया। जो वहां भी डर था बहुत, वहां पाकिस्तान में भी बहुत डर था, वो डर वो भी निकल गया।
यहाँ का भी डर निकल गया। अभी आप जरा अब अपना बहुत सफर खुश बताओ, हूँ, अब फिर अपने सफर बहुत बढ़िया। यहाँ आए तो बहुत बढ़िया, सफर भी हमको बहुत बढ़िया मिला, और घर मिला, सोने का बिस्तर मिला, खाने के बर्तन मिले, जो चीजें वहां छोड़ी वो चीजें हमको यहाँ मिली, ठीक है हम बहुत खुश हुए बहुत। अब क्या बता सके किसको, जितनी हेल्प वो दे रहे हैं अपने भारत के, वो ही सबको धन्यवाद है। हम यही कहते हैं सबको, धीरे धीरे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं सबको यही हेल्प देना है आप, हमारे साथ आपका व्यवहार है ये बताओ, हम आपकी मदद कर और दें। मदद बहुत है हमारी, बहुत हेल्प विजय भाई वाले ये आपसे पहुंचा रहे हैं, फिर वो हमारे पास आ रहे हैं हमको भी दे रहे हैं। अच्छा ये नानक जी जिन्होंने आपका भी ये घर बनाया है, घर दिया है और ये सामान दिया, दोस्तों मैं अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या सामान मिला है इनको, क्या बोलोगे उनके लिए। उसको देते ये कहते हैं एक एक दफा धन्यवाद नहीं बोलेंगे, 1 लाख दफा धन्यवाद बोलेंगे भैया जी, हमको बहुत बड़ी खुशी हुई है, जो मिला है सब धन्यवाद है, 1 लाख दफा, एक दफा नहीं 1 लाख दफा, विजय भाई ने ये वहां पहुंचा दी फिर हमारे पास आ गया, तो हम ये कह रहे हैं भैया विजय को इसको भी धन्यवाद कहते हैं, उसको भी 1 लाख दफा धन्यवाद। दोस्तों आइए पहले दिखाते हैं कि आज इनको क्या मिल रहा है। एक तो जोगी कंस्ट्रक्शन इनकी हुई है, घर इनके लिए बना है, और दोस्तों इनको जी घर की जो दोस्तों जो हेल्प है ये हेमंत मेहता जी की तरफ से है, और श्री हेमंत मेहता उनकी जो वाइफ है श्रीमती लीना मेहता की तरफ से, और उन्होंने दोस्तों अपने लेट पेरेंट्स जो उनके लेट पेरेंट्स हेमंत मेहता जी के उनकी याद में ये घर बनाया है, जिनका नाम है श्री रमनलाल मेहता एंड श्रीमती ललिता बहन मेहता। तो दिस इज द होम, होम स्वीट होम। आइए घर को अंदर से देखते हैं। इनको दोस्तों दो बेड दे रहे हैं, दिस वन बेड जिस पर ये लोग अभी बैठे हुए हैं, दिस इज अनदर बेड एंड दिस बर्तन। इनको बर्तन पीछे भी दिलाए थे लेकिन इनकी बिटिया की शादी हुई थी तो बिटिया की शादी में इनको वो जो हमने बर्तन दिए थे सब दे दिए, एंड दिस वन कूलर, कूलर फॉर दिस दिस न्यू होम एंड दिस इज द होम। दोस्तों ये आप देख रहे हैं मच्छरों से बचाने के लिए ये हमने ये जाली लगाते हैं, और कारपेट इसकी कारपेटिंग प्रॉपर करी हुई है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से दोस्तों जो हम इसमें वो तरपाल देते हैं ये इस लाइक सी थ्रू ताकि अंदर लाइट आ सके, दिस इज हाउ इट लुक्स। बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको दोस्तों ये बंद करके दिखाता हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स। दोस्तों अंदर अभी देखिए पूरा बंद है ये, बट स्टिल यहाँ पर फुल रोशनी है और कारपेटिंग दोस्तों ऐसी करी हमने, तो इस तरीके से यहाँ घर बनता है। आइए बाहर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस फैमिली का इनसे पूछते हैं। आप नानक जी जी अपनी बिटिया की शादी कराई आपने, बताओ थोड़ा सा लोगों को, लोग जानना चाहते हैं कि हाँ आपने 5-6 महीने, अभी कितने महीने हो गए आपका जी, हुए? हमको 9 महीने हुए हैं यहाँ पे आने के, हमने हाँ बोला यहाँ आ तो गए तो बेटियां भी देनी है, किसी के बोझ अपना हल्का करना है, ठीक तो है हमने एक बेटी की शादी की, जो किसी ने भी हमको दिया वो हम उनको दे दिया, हमने ठीक दहेज में और क्या दे सकते हैं, जो दे रहे हैं हमने वो उसको आगे अर्पण किया है कोई उसको, बात नहीं। और देने वाले को भी धन्यवाद है। दोस्तों जब आपने जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी इनकी, दो वीडियोस अपलोडेड हमारे चैनल पे, तो किसी के घर में रह रहे थे और किसी की झुग्गी में रह रहे थे, तो वो लोग आ गए तो दे हैड टू वैकेट, और यहाँ पर अभी गर्मियां चल रही हैं दिल्ली में तो ये कचौरी बेचते थे, तो कचौरी अभी सेल नहीं हो रही है तो इसके लिए इनका अभी घर का बहुत इशू था, पूरा सामान लेकर बाहर बैठे थे, तो ये मेरे पास आए, आए आई कॉल्ड अप हेमंत मेहता जी, उनसे हमारी बात हो रही थी तो इनके साथ मैंने बोला कि भाई इनकी ये ज़रूरत है, तो सर ने समझाया इनकी प्रॉब्लम क्या, नहीं बच्चों वाला परिवार है तो इनके लिए ये घर बना देते हैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड, और ये बहुत अच्छा बड़ा प्यारा सा घर लगता है दोस्तों देखने में, बिकॉज दिस इज ए फॉरेस्ट एरिया इसलिए यहाँ पर ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, यहाँ पर कोई पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, बट इट 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 लुक सो ब्यूटिफुल कंपेरेटिवली। दोस्तों मैं आपको लेफ्ट साइड दिखाता हूँ, दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ जुगीज हियर आर लाइक लुक लाइक दिस, और दोस्तों राइट साइड में भी दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पूरा खस्ता हाल हो जाती है थोड़ा टाइम में गर्मी से, दोस्तों तरपाल फट जाते हैं, तो दीज जुगीज नीड री एनफोर्समेंट, तो इनको री एनफोर्समेंट करनी पड़ती है, देखते इस तरीके से ये फट जाते हैं तरपाल वगैरह, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करें ताकि कम से कम 2-3 साल तो इन तरपाल को और झुग्गियों को निकले, और इनको इस 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 ये जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर
उससे इनको कुछ निजात मिले, बच्चों से मिलाता हूँ दोस्तों। ये बच्चे तो बहुत, आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा जो खासतौर से पार्टी वाली वीडियोस में है ना, ये वाली लड़की पार्टी वाली वीडियो में बहुत बार बोलती है। आप क्या बोलते हैं पार्टी वाली वीडियो में? मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, जब पार्टी भी जैसा रखता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों बहुत दिनों से पार्टी नहीं हुई, यहाँ पर हुई है। प्लीज कोई अगर पार्टी कराना चाहिए अपने घर में तो यहाँ पर एंजॉय करवा सकते हैं, इन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है। और आप बताओ? आपका बहुत धन्यवाद जिसने ये दिया। विजय भैया को भी नमस्ते। मैंने अच्छा लग रहा है अगर? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है अच्छा? हाँ, अक्षय को पढ़ाई करते हो अभी तुम लोग? पक्का? अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोगों के आधार कार्ड बन गए? नहीं बने, मेरे बने नहीं बने। आपका बन गया? एक बना है, बाकी बच्चों का नहीं बना। लेकिन स्कूल जा रहे हैं बच्चे? वो जा रहा है स्कूल, सिटी स्कूल जा रहा है, सामने नहीं जा रहा है। खुश है ना? आप? मैं भी तो सुन जाती। आप? मैं नहीं जाती। वो दोनों ये नहीं जा रहे हैं ना, क्यों? आप बताओ बेंची सब जिन्होंने मदद करी, क्या बोलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जान है, जो बनाया है वो बहुत धन्यवाद है। हमारे के विजय भाई भी बनाया, आप भी बुलाया, तो वो बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों ये एक्टिविटीज मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इनका स्केल अप हो इन एक्टिविटीज का। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं दोस्तों जिनकी मदद की जरूरत है। भारत में भी ऐसे बहुत परिवार हैं जो बिल्कुल ही जिनका जो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, किसी के पास मेडिकल इशू है, किसी का फाइनेंशियल क्रंच है, किसी में जो घर में जो मेल मेंबर है जो अर्निंग मेंबर है उसकी किसी वजह से या तो तबीयत खराब है या तो उनकी अकस्मात डेथ हुई है। तो ऐसे बहुत परिवार है हिंदू समाज में जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं, और इन फैमिलीज को ही दोस्तों जो राइस बैग कन्वर्जन वाली एजेंसीज हैं जो देश विदेश से फंडेड हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच करती हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, वी गेट टू नो दैट दिस मेनी पीपल इन वन ईयर गॉट कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स इज बिकॉज कि हम एज ए सोसाइटी, हिंदूज एज ए सोसाइटी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज फैमिलीज। अगर हम इन फैमिलीज का टेक केयर करें, ध्यान करें, तो मजा ले दोस्तों कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इनको अप्रोच करे या किसी को भी अप्रोच करे। तो जरूरी है जो अगर आप अपने आप में सक्षम हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पास भगवान की कृपा से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपके पास घर परिवार ठीक है, तो मेरी आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, प्लीज डेडिकेट योर सेल्फ टू द सोसाइटी, टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। और खासतौर से ऐसे परिवार जो हमारी तरफ आस देखकर पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेकर आते हैं, नानक जी जैसे लोग दोस्तों, ये जब पाकिस्तान से इधर आते हैं तो इनकी हम मदद करें। और इन्होंने दोस्तों पिछली वीडियो में बोला है कि ये सक्षम होंगे तो ये आने और दूसरे परिवारों को भी हेल्प करेंगे। और दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि ऐसे परिवारों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। इट टेक्स वन फैमिली एट लीस्ट कपल ऑफ ईयर टू एस्टैब्लिश, या इट टेक्स सच फैमिली दीज फैमिलीज एट कपल ऑफ ईयर्स, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, इनके बच्चे पढ़ने लिखने लग जाए, काम धंधा सेट हो जाए, घर परिवार बन जाए, तो कम से कम एक दो साल तक हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। ये अपना कचोरी का काम करते हैं और काम करते हैं, ये मेहनत करने को रेडी हैं, बट इनको रास्ता दिखाना, इनके लिए एवेन्यूज क्रिएट करना, ये आपका और हमारा काम है। सरकार दोस्तों अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन सरकार इस तरीके से सोसाइटी में नहीं जा सकती। इसके लिए हमारे जो संगठनों को आप लोग सशक्त करें, मजबूत करें। हमारा संगठन इज प्योरली हिंदू संगठन एंड इट इज अ सेक्युलर संगठन। हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कुछ बोलें या कोई एक्टिविटी करें। हम चाहते हैं कि हम अपने हिंदू समाज की ही सेवा करें, और हम चाहते हैं सारा हिंदू समाज, एक एक आदमी, 110 करोड़ आदमी डेली बेस पर एक रुपया रोज डोनेट करें, आदत डालें। एक रुपये की दोस्तों हमें आपसे अपेक्षा है, बाकी आपकी स्वेच्छा है, आप जितना करें। एक रुपया रोज डोनेट करें, दैट इज 365 रुपीज़ अ ईयर, ताकि हमारे पास इतना ऐसा कॉर्पस फंड हो, हम ऐसी एक्टिविटीज फटाफट प्लान कर सके। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके लिए अभी तक मदद नहीं मिली है, एंड आई वॉन्ट यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू HSF। आवर अकाउंट डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, मेरा नंबर इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, QR कोड दोस्तों वीडियो के अंत में दिखेगा आपको, और चैनल के कम्युनिटी टैब में भी QR कोड है, वेबसाइट भी आप चेक करें हमारी, वहां पर भी हमारा QR कोड है। बट प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट एंड प्लीज सपोर्ट अवर एक्टिविटीज। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, बाय बाय।